तो हाय दोस्तों, वेलकम टू यू ऑल इन माय अदर व्लॉग। और ये मेरा ऑफिस है बेसिकली। मैं यहाँ पर एज ए हॉस्पिटल साइंटिस्ट काम करता हूँ। और यहाँ सुबह सुबह मैं जब मैं आता हूँ तो मुझे बेसिकली यहाँ पर एक रैट का टेस्ट करना पड़ता है, रैपिड एंटीजन टेस्ट। और अगर हम निगेटिव होंगे तभी हम काम कर सकते हैं, और अगर पॉजिटिव आते हैं तो फिर हमें जो है इमिडिएटली अपने जो है मैनेजर को यहाँ पर रिपोर्ट करना होता है, और हम उसको फिर जो है वापस चले आएंगे। तो ये बेसिकली देख सकते हैं, दोनों मेरे कंप्यूटर हैं यहाँ पर। ये पूरा हमारा रिसर्च ऑफिस है, जितने भी सारे लोग काम कर रहे हैं यहाँ पर, सारे के सारे साइंटिस्ट हैं इस पूरे रूम के अंदर। और देख सकते हैं आप मेरे पीछे, ये हमारे पीछे ये रोड है और ये पार्किंग है। तो बेसिकली क्लास का पूरा ये एक ऑफिस है इस रिसर्चर्स के लिए। साइड में हमारा एक दोस्त बैठा हुआ है, वो चाइनीज़ है। तो ये है बेसिकली। और ये देखिए, बहुत ही एकांत माहौल रहता है यहाँ, कोई इतना नहीं। ये मेरा टेलीफोन है, ये मेरा बैग रखा हुआ है, ये अभी मैंने केला खा के छिलका रखा हुआ है। और जब हम शुरू में आते हैं दोस्तों, तो सबसे पहला जो काम हम करते हैं वो यहाँ पर ये जो एक किट है, ये रैपिड एंटीजन किट इसको बोलते हैं। और इससे हमें चेक करना पड़ता है कि हमें जो है कोविड है या नहीं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया अभी भी बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट मेजर्स ले रही है, क्योंकि जब हम हॉस्पिटल में काम करते हैं, पेशेंट से बात करते हैं, दूसरे हर तरह प्रोफेशनल से भी हम बात करते हैं, तो अगर हम में से कोई भी पॉजिटिव हो जाएगा तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो जो है जो इन्फेक्शन है बहुत ज़्यादा लोगों में हो जाएगा। तो ये किट मिलती है हम लोगों को, तो इस किट में हम लोग करते हैं। देखिए आप लोग, मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। ये बेसिकली लिक्विड है अलग से, कुछ कुछ किट में एक ही साथ आता है, तो इसको जो है मैंने इसमें डालना पड़ेगा। अब मुझे जो है एक हाथ से होल्ड करने में प्रॉब्लम हो रही है जो है फ़ोन को, तो इसको ऐसा करके मैंने इसमें ये लिक्विड जो है इसको मैंने इसमें डाल दिया है। और अब जो है फिर जो है निजल का जो स्वेप है नाक से जो लेना है, ये मुझे सबसे बुरा लगता है दोस्तों। और कभी कभी तो आँख से आंसू आ जाते हैं यार, क्योंकि बहुत ज़्यादा 10 से 15 सेकेंड तक आपको जो है वो दोनों साइड में नाक की जो है ये करना पड़ता है। और उसके बाद जो है फिर इसको जो है पूरा जो लिक्विड अभी किया था, उस लिक्विड में इसको हमें 10 से 15 सेकंड तक जो है पूरा इसको अच्छे से मिक्स करना होता है। और फिर इस स्वैप को निकाल लेते हैं हम, और फिर इसको जो है ये ढक्कन होता है बेसिकली, ऊपर से इसको बंद करके अब जो है हम इसकी अच्छे से इसको मिक्स कर सकते हैं। मिक्स करने के बाद फिर ये जो किट है बेसिकली, ये किट है हमारी, और इस किट के अंदर जो है 2 से 3 बूंदें डालनी होती हैं हमारी है। और फिर ये ऑटोमेटिकली ये जो है चले जाते हैं। आप लोगों ने फार्मेसी हैं कि स्टूडेंट हैं, आप लोगों ने वैसे जो है बहुत सारे एक्सपेरिमेंट भी किए होंगे एनालिसिस के अंदर, तो सिमिलर कंसेप्ट वही है इसका भी, क्रोमेटोग्राफी वाला। तो अगर इसमें एक लाइन आती है तो निगेटिव है, और 2 आती है तो पॉजिटिव है। तो जब से मैं पिछले यहाँ पर 2 महीने से यहाँ पर मैंने जॉब शुरू किया, ये मेरा न्यू जॉब है बेसिकली, तो ये पूरे दिन का जो शुरू का जो आधा घंटा होता है वो उसी में निकल जाता है किट से जो टेस्ट करने में। और तो देखिए आप लोग भी, और देखो मैं निगेटिव हूँ तो मैं यहाँ पे काम कर सकता हूँ पूरे दिन आज। और अगर मैं निगेटिव आता हूँ, पॉजिटिव आ जाता हूँ बाई चांस, तो फिर मुझे घर वापस जाना होगा अभी। और हम हॉस्पिटल मतलब वहाँ पर जो ऑफिस में बैठते हैं, क्योंकि सारे के सारे साइंटिस्ट हैं और हम लोग सारे के सारे जो पेशेंट हैं पे रिसर्च करते हैं, तो ब्रॉडमी हॉस्पिटल है इसका, तो उसके लिए जो है आपको पहले आके यही करना है, क्योंकि अगर हम पेशेंट से जाकर करेंगे तो फिर ये प्रॉब्लम हो जाएगी। तो बेसिकली मैं एक वीडियो बनाया है मैंने कि पूरा एक दिन में हम लोग क्या करते हैं एज ए रिसर्चर, एज ए साइंटिस्ट। आपके मन में ये क्वेश्चन आता होगा कि यार हॉस्पिटल साइंटिस्ट हॉस्पिटल में करता क्या है, तो वो एक दूसरा एक मेरा वीडियो है, उसको आप जरूर देखिएगा। और तो ये तो मैंने बस ऐसे ही बनाया आपके लिए कि मैं रैट टेस्ट करना क्या होता है, और मैंने इससे पहले कभी किया नहीं था, ये मैंने फर्स्ट टाइम यहीं पर आके किया है, क्योंकि अभी गवर्नमेंट ने यहाँ मैंडेटरी कर दिया है, पहले यहाँ मैंडेटरी नहीं हुआ करता था। तो अभी ये हो गया पूरा टेस्ट, अभी सारी चीज़ें मैंने फिर से इस बॉक्स के अंदर मैंने भर दी हैं, और इस बॉक्स को जो है मैं फिर से इसको जो है कूलर में डाल देंगे। यहाँ पर बेसिकली तो स्पेशल तरह के हमारे यहाँ पर जो कूड़ेदान है यहाँ पर, तो उसको डाल दिया। मैंने अभी केला खाया था, केला का छिकला भी मैंने इसी में डाल दिया है तो आप लोग देख सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।